पूरे देश में संक्रांति बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है। कहीं बिहू, कहीं लोहड़ी, कहीं पोंगल और कहीं मकर संक्रांति के रूप में ये पर्व मनाया जाता है। आज पूरा देश मकर संक्रांति मना रहा है और आपको बता दें कि मकर संक्रांति पर खिचड़ी खाने के साथ साथ पतंग उड़ाने का भी रिवाज होता है, जहाँ लोग पतंग उड़ाते हैं और पर्व को मनाते हैं। वहीं हैदराबाद में इसी क्रम में मकर संक्रांति के अवसर पर हैदराबाद के धूलपेट में पतंगों की दुकान लगाई जाती है। मगर इस बार हर साल की तरह इस साल पतंग बाजार में किसी भी तरह की रौनक देखने को नहीं मिल रही है। जानकारी के अनुसार इस बार नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और तेलंगाना सरकार द्वारा पतंग उड़ाने वाले मांझा पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस कारण से बाजार में रौनक कम देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि हर साल कभी धोनी, कभी विराट कोहली या फिर अमिताभ बच्चन के नाम से पतंग बिकती है, मगर इस बार हैदराबाद के पतंग बाजार का मामला कुछ और ही है। आपको बताते चले कि इस बार हैदराबाद में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बार पतंग के रूप में बिक रहे हैं। पतंग उड़ाने का मतलब ये है कि आपको सूरज को अपन नहीं देखते, पतंग उड़ाने के बाद ये जरूर देखते हैं जो आता है, अपने आंखों का उजाला वो पड़ता है, संक्रांति आंखें आते हैं जो ऐसा रहता है उसका पतंग संक्रांति। हैदराबाद से मोहम्मद हामिद की रिपोर्ट।